इस लेवल पे आना है। ठीक है, ऑटिस्टिक चाइल्ड को डायग्नोसिस करने के लिए DSM-5 क्राइटेरिया देखी जाती है और वो भी 3-4 बार हमारे चैनल पर देखेगा। अगर आज मैं आप लोगों को ऑटिस्टिक चाइल्ड को कैसे डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड को डायग्नोसिस करने के लिए DSM-5 क्राइटेरिया देखी जाती है और फिर आप स्केल लगाते हैं इनक्लेन या ESR। तो आज मैं ईसा यानी इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे किया जाता है बच्चे में और किस तरह से उसको रेट किया जाता है और किस तरह से पेरेंट्स से बात की जाती है, क्वेरी की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि किसी भी बच्चे को एसेस करने से क्वेश्चन आंसरिंग से पहले जो है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसका केस हिस्ट्री लेते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उस पर स्केल लगाते हैं पेरेंट्स से और डिटेल में पूछते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ें समझता है बच्चे को लेकर के और हम क्या करते हैं कि हम अपने ऑब्जर्वेशन पे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम ऑब्जर्वेशन और पेरेंट्स क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं, रेट करते हैं और फिर उसका लेवल निकालते हैं। इसमें बेसिकली 6 सब डोमेन होते हैं। पहला होता है सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, दूसरा होता है इमोशनल रिस्पॉन्सेज, तीसरा है स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, चौथा है बिहेवियर पैटर्न, पांचवा है सेंसरी एस्पेक्ट एंड छठा है कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो ये 6 कंपोनेंट पे हम बच्चे को एसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसे रेट करते हैं हम 5 कैटेगरीज में, रेयरली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, मोस्टली, ऑलवेज, जिसमें हम ये देखते हैं बच्चा बहुत ही नहीं के बराबर चीजें कर रहा है उसे हम रेयरली कहते हैं एंड बच्चा जो है कभी कभार कर दे रहा है तो उसे समटाइम्स कहते हैं और फ्रिक्वेंटली अक्सर बच्चा कर रहा है तो हम फ्रिक्वेंटली में डालते हैं जिसमें हम 3 स्कोर्स देते हैं। मोस्टली में बच्चा जो है ज़्यादातर कर रहा है तो स्कोर 4 करते हैं और अगर ऑलवेज हमेशा बच्चा वो चीज़ें कर रहे हैं तो 5 स्कोर्स करते हैं। ठीक है, तो रेयरली में 1 का हम देते हैं जब बच्चा बिल्कुल कभी कभार ही कर रहा है, समटाइम्स मतलब कभी रेयरली से थोड़ा ज़्यादा यानी कभी कभार कर रहा है लेकिन कर रहा है तो उसको 2 स्कोर देते हैं और समटाइम्स में आता है, फ्रिक्वेंटली में 3 स्कोर करते हैं कि अक्सर बच्चा कर रहा है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें हम बच्चों को बेसिकली रेट करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे आएगा डायग्नोसिस के साथ साथ। तो सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी में पहला जैसे है, हैज पुअर आई कॉन्टेक्ट, यानी बच्चे का पुअर आई कॉन्टेक्ट है तो कितना है, मतलब वो ऐसा तो नहीं बहुत जरा सा है, रेयरली में आ रहा है या कभी कभार का है या अक्सर फ्रिक्वेंटली है या मोस्टली है, ऑलवेज है, इस पे हमें बहुत फोकस करना है कि कैसे, और यही जज करना मुश्किल होता है, यही एसेस करना मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, इसमें है लैक सोशल, इसमें स्माइल, रिमेन अलोन, डजंट रीच आउट ऑफ अदर्स, अनेबल टू रीच टू पीपल, अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू सोशल इन क्यूज, इंगेज इन सॉलिटरी एंड रिपीटेटिव प्ले एक्टिविटी, अनेबल टू टेक टर्न इन सोशल इंटरेक्शन एंड डजंट मेंटेन पीयर रिलेशनशिप। तो ये 9 आइटम हमारे आगे सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी में। एंड द सेकेंड वन इज इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस, इसमें क्या है कि आपका शो इनएप्रोप्रिएट इमोशंस रिस्पॉन्स, शो एग्रीगेटेड इमोशंस, इंगेज इन सेल्फ स्टिमुलेटिंग इमोशंस लाइक और फियर ऑफ डेंजर एंड एक्साइटेड और एजिटेशन फॉर नो अपेरेंट रीजन। द थर्ड वन इज स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है इसमें आइटम कौन कौन से आते हैं, अक्वायर्ड स्पीच एंड लॉस्ट इट, हैज डिफिकल्टी इन यूजिंग नॉन वर्बल लैंग्वेज और जेस्चर टू कम्युनिकेट, एंड थर्ड वन इज इंगेजिंग स्टीरियोटाइप एंड रिपीटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, एंड फोर्थ वन इज इंगेज इन इकोलेलिया स्पीच, एंड फोर्थ वन प्रोड्यूस इन्फेंटाइल एंड अनयूजुअल नॉइजेस, एंड लास्ट वन इज अनेबल टू इनिशिएट और सस्टेन कन्वर्सेशन विद अदर्स। एंड
नेक्स्ट है यूज जागरण और मीनिंगलेस वर्ड्स, फिर नेक्स्ट है यूज प्रोनाउंस रिगर्स, अनएबल टू ग्रैस्प प्रैग्मेटिक और कम्युनिकेशन, बिहेवियर पैटर्न में क्या है आपका इंगेज इन स्टूडेंट टाइप एंड रिपीटेटिव मोटर मैकेनिज्म एंड शो अटैचमेंट टू इननेट ऑब्जेक्ट, shows hyperactive restlessness, exhibit aggressive behavior, throws temper tantrum, engage in self-injurious behavior, insist on sameness. ठीक है, एंड सेंसरी एस्पेक्ट में क्या आएगा आपका, यूजुअली सेंसिटिव टू स्टिमुलाई, सेंसरी स्टिमुलाई, स्टेयर इनटू स्पेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हैज डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, हैज अनयूजुअल विजन, इनसेंसिटिव टू पेन, रिस्पॉन्स टू ऑब्जेक्ट. एंड सिक्स इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, जहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट अटेंशन इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, शोज डिले इन रिस्पॉन्डिंग एंड हैज अनयूजुअल मेमोरी ऑफ सम काइंड, हैज सर्वेंट एबिलिटी. तो ये 40 आइटम्स होते हैं ईसा में, जिसपे हम सिक्स कंपोनेंट के अंदर देखते हैं कि बच्चे के अंदर एक से लेके पांच तक के स्कोर में बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, वहां पे हमें ये पता चलता है कि बच्चा माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है. तो माइल्ड का जो स्कोर होता है 70 to 106 है, मॉडरेट का 107 to 153 है एंड सीवियर का अबव 153. तो ये रेंज है. तो अब मैं इसको बच्चे पे करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट से और किस तरह पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा और किसको हम किस स्कोर में पुट इन करेंगे. तो वैसे तो मैंने आपके बच्चे को अभी तक एक घंटे से ऑब्जर्व कर ली थी और मैंने देखा भी वहाँ प्ले एरिया में कि बच्चा कैसे आगे कर रहा है, कुछ चीजें मैंने आपसे पूछी थी. बर्थ हिस्ट्री भी हम ले चुके हैं बच्चे की, लेकिन मैं अब आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे के लिए हम कुछ एक स्किल लगाएंगे जिसमें हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चा किस लेवल पे आ रहा है. ठीक है, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसको आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग बच्चा कहाँ पे लाइक कर रहा है. ठीक है, आपको क्या लगता है बच्चे के आई कॉन्टेक्ट कितना करता है आपके बच्चा? कम ही करता है, अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा जो है जब आप उसको मुस्कुरा के देखती हैं तो मुस्कुराता है या नहीं मुस्कुराता है? इंस्टेंट फॉरन नहीं, और किसी और के साथ भी जैसे गेस्ट आते हैं तो उनके साथ भी नहीं करता है? नहीं, वो तो इसका शुरू का नेचर है, घबरा जाता था सबको देख के, जैसे कोई घर में एंटर हुआ उसका रोना स्टार्ट. लेकिन ये है कि रोता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे घुल मिल जाएगा और सबसे बातें करेगा, कोई भी वो बोलने लगे बातें करने लगे. अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपका बच्चों में घुल जाता है या अलग से खेलता है? अलग से खेलता है. कैसे? खेलती
होगा, बच्चे को कुछ बताती हैं तो फौरन वो लर्न कर लेता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, या उसमें टाइम लगता है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर पाता है? टाइम लगता है, जैसे मैंने उसको एबीसीडी सिखाई वो तो पता नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई करने लगा। जैसे मैंने पूछा कि एरेस ए, तो ए ब्लॉक उठा के साइड पे रख दिया, बीच में से स्किप करके पूछा टी, तो टी उठा के रख दिया, ये सब करने लगा था। लेकिन कुछ दिन से जब इस मोबाइल का देखने लगा तो इसने सब कुछ करना छोड़ दिया। अब हमारी बातें हम कुछ भी कह देते हैं, समझ लिए, इसको ऐसा लगता है कि सुन ही नहीं रहा है। लोगों में मिंगल नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते, ना अपने एज में ना कहीं भी, ऐसा आपको ना समझ में। ऐसे तो नहीं बिना वजह के कोई इमोशन, गुस्सा करना, नाराज होना या चिड़चिड़ाना, जैसे बाहर जाने की जिद कर रहे हैं, बात हो रही है तो मना कर रहे हैं, नहीं जा सकते, तो बहुत मारेगा, अपने आप को मारना काटना, अपने आप को कुछ नहीं करेगा, अपने आप को बिना किसी रीजन के एक्साइटेड हो जाना। पहले कुछ वर्ड्स बोलते थे ऐसा लगता है आपको, और फिर आप ना बोल पा रहे हैं इन चीजों को, आपके जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन को ये पहचान पाते हैं कब नाराज है, गुस्सा है, खुश है, या नहीं पहचान पाते हैं? अगर जैसे कुछ लाउड आवाज में डांट होगी, कुछ अगर नहीं कर रहा है तो एकदम देखेगा और उन्हें स्टार्ट कर देगा, उसे पता चल जाता है कि डांट पड़ रही है और पता क्या करा जा रहा है। अच्छा, ये उसे पता है। लेकिन मैंने ये पूछा फेशियल जेस्चर, जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ क्या करते हैं, जब हम उन्हें आम बोलते हैं तो समझ जाते हैं, या हम कब फ्रॉम करते हैं तो वो समझ जाते हैं हम नाराज हैं, तो वैसे हम आपके आप लेकिन ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन को आपकी नॉर्मल जैसे नहीं पहचानता। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो रिपीटेटिव बार बार बोलता रहता हो? होता तो नहीं हमारे घर के अलावा, लेकिन हाँ करता है, तो मैंने आपको बताया कि फिंगर मुंह में ले जाएगा और किसी चीज़ पर ऐसा रखा है, कोई भी चीज़ होगी हमारा खाते पकड़ के बेटा ऐसा नहीं करो, मतलब बार उस पर डस्ट है, लेकिन मानता नहीं है, बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा। ठीक है, और हैंड ये भी बहुत करेगा, मतलब बहुत ही करता रहता है, कुछ खुशी हो या कुछ भी हो, कोई नई चीज़ सामने आएगी तो भी एकदम ऐसे हो जाएगा। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 3 साल। कोई ऐसा आपने मार्क किया है कि कोई ऑब्जेक्ट हो जो बच्चा हमेशा अपने साथ रखता हो, सोते बैठते जाते, और उसको उससे बड़ा अटैचमेंट हो, जैसे बॉटल होती है या कोई टॉय होता है या कार होती है? नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई उसका किसी का अटैचमेंट नहीं, जो कोई कपड़ा हो पकड़े रहता हो? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, हर लोग भागते चलते रहते हैं, बैठना मुश्किल होता है एक जगह? हाँ। अच्छा, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं? बहुत सारा, और रात में देर से सो पाए, 2 बजे 3 बजे के टाइम में सो। और अपोजिट साइड में उड़ भी जाता है, पहले होता था जब छोटा था, अब नहीं होता है, अब नहीं, अब नहीं। अच्छा, और ये ज्यादातर जब गुस्सा करते हैं तो क्रैंकी से हो जाते हैं, ये सर पटकना या फिर कुछ इस तरह से चीज को फेंकना, जैसे आप इनकी नहीं सुन रही हैं? जी नहीं, मारता है, गुस्सा दिखता है, अगर उनको सीक्वेंस में लगा और आप हटा दो तो क्या करते हैं? अभी ऐसा हुआ नहीं है, टकटकी लगा के देख रहा है जहाँ देख
थॉट आता है जिसमें ना एक पीछे थोड़ा बहुत देर तक फिर थोड़ा मुस्कुराया फिर अपने काम में लग गया मुझे पानी से खेलना चोट लग जाता है तो उस चोट से ये महसूस फौरन करते हैं या बहुत देर में बता रहे हैं या इनको आपको पता है और ये अभी 3 साल एक महीने के हैं।